हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, माय नेम इज सुरभि और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। सो रिसेंटली आई गॉट माय हैंड इनटू मिनीशो डीप क्लींजिंग नोज स्ट्रिप्स, जो मैंने रिसेंटली परचेज किया है फ्रॉम द स्टोर। तो ये रहा ये पैक। एक्चुअली मुझे ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो इसलिए जिनकी स्किन ऑयली होती है उनको ब्लैकहेड्स व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम तो होती ही होती है, मुझे बहुत ज़्यादा होती है। बट पार्लर में टूल से निकलवाना इट्स अ वेरी टायरिंग प्रोसेस, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। मैंने अपनी शादी में एक बार कराया था, उसके बाद तो मैंने कभी भी नहीं कराया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और बहुत टाइम लगता है एक एक करके निकालने में। तो रिसेंटली मैंने मीशो विजिट किया था तो वहाँ पे मुझे ये स्ट्रिप दिखा, तो मुझे लगा कि शायद काम कर सकता है क्योंकि मीशो के प्रोडक्ट्स आई थिंक अच्छे होते हैं। कुछ मैंने ट्राई किए हैं तो मुझे तो पसंद आते हैं। तो चलिए आज आप सबके सामने मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ। आप देख सकते हो मेरे नोज पे बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत सारे हैं। आई थिंक कैमरा उसको अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। मैंने अभी कोई भी मेकअप नहीं यूज़ किया है ताकि आपको क्लियरली रिजल्ट मैं दिखा सकूं। तो अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये अगर आपको दिख रहा होगा तो ये मेरे सारे ब्लैक हेड्स हैं। तो ये स्ट्रिप मैं देखती हूँ आज काम करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये प्रोडक्ट है डीप क्लींजिंग नोज स्ट्रिप्स। तो ये क्लेम करता है कि अगर आपके ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं या फिर ऑयल एंड डर्ट एक्यूमुलेट हो चुका है तो उसको रिमूव कर सकता है। तो ये जो मैंने वेरिएंट लिया है ये है बैम्बो चारकोल, इसके अंदर आपको 10 पीसेस मिलते हैं एंड इसका प्राइस है 170 रुपीज, विच इज क्वाइट अफोर्डेबल फॉर 10 पीसेस, क्योंकि 10 पीसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप उसको महीने में एक बार यूज़ करो तो भी 10 महीने आराम से चल जाएंगे, तो ये अच्छी बात लगी मुझे। अफोर्डेबल तो बहुत ही ज़्यादा है, ऐसे और भी बहुत सारे ब्रांड्स में आते हैं बट मुझे नहीं पता कि वो कैसा काम करते हैं क्योंकि मैंने आज तक कभी भी ये प्रोडक्ट अपने ऊपर ट्राई नहीं किया है। तो चलिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे है कि अपने नोज को थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपको ये स्ट्रिप अप्लाई करनी है। तो चलिए पहले थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा ईजी होता है आई थिंक निकालने में। तो चलिए देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, लेट्स स्टार्ट। मैं पहले वेट कर लेती हूँ अपने नोज़ को ताकि अच्छे से रिमूव हो पाए ब्लैक हेड्स मेरे। तो मैंने अपने नोज़ को वेट कर लिया है, अब मैं ये स्ट्रिप निकालती हूँ और अप्लाई करते हैं, देखते हैं पहले कैसे करना है। मुझे तो कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है एक्चुअली, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने ही सब कुछ देखूंगी एंड परफॉर्म करूंगी। तो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, पहले वेट करना था, उसके बाद लिखा है कि टेक आउट द नोज स्ट्रिप्स फ्रॉम द पैक। ओके, वो तो करना ही है। उसके बाद है अप्लाई द शाइनी पार्ट ऑफ द नोज स्ट्रिप्स टुवर्ड्स नोज। चलो तो शाइनी पार्ट देखते हैं, पहले तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके की स्ट्रिप दिखती है, इसका शाइनी पार्ट मुझे अपने नोज पे अप्लाई करना है। ठीक, तो सबसे पहले इसको मैं पील कर रही हूँ, ये देखो। और यहाँ पे लिखा है जैसे इंस्ट्रक्शन में कि ये जो शाइनी पार्ट है इसको आपके नोज के टुवर्ड्स लगाना है। तो चलिए मैं इसको स्टिक कर देती हूँ अपने नोज के साइड पे। ओके, तो मैंने अपने नोज पे इसे स्टिक कर लिया है, अब देखते हैं आफ्टर 15 मिनट्स ये मेरे ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है या नहीं। तो मिलते हैं 15 मिनट्स के बाद। तो गाइस 15 मिनट्स हो चुके हैं और अब देख लेते हैं इसको रिमूव करके कि इसने कुछ वर्क किया भी है या फिर नहीं, मेरे ब्लैक हेड्स कितने रिमूव हुए हैं कितने नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहले तो इसको रिमूव करना ज़रूरी है बट आई होप कि ये पेनफुल ना हो, क्योंकि पेनफुल हुआ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो टूल वाला भी करवाओ तो उसमें भी उतना ही पेन होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको रिमूव करके, हल्के हाथों से इसको रिमूव करना होता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्टिक हुआ रहता है। तो मैं इसको धीरे धीरे रिमूव कर रही हूँ। यहाँ सेंटर ऑफ द नोज़ में तो बिल्कुल ही एकदम से चपट के पकड़ा हुआ है इसने। तो चलिए धीरे धीरे इसको रिमूव कर लेते हैं, आई थिंक अब हो जाना चाहिए। वाह यार, क्या रिमूव किया इसने। ये देखो मैंने यहाँ तक स्टिक किया हुआ था तो यहाँ देखो बिल्कुल क्लियर आपको दिख रही होगी, और यहाँ पे मैंने नहीं लगाया था तो यहाँ पे आपको वैसे ही ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा होगा यहाँ पे भी। तो
तो ये देखो बहुत ही अच्छे तरीके से इसने काम किया है। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना बढ़िया काम करेगा। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना ज़्यादा ब्लैक हेड्स इसके अंदर स्टिक हो चुका है। ये देखो बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है इसने, 80% इसने रिमूव कर दिया है, बाकी के 20% मुझे लगता है एक बार और मैं अप्लाई करूँगी तो वो निकल जाएंगे। मुझे एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ देखो ये ड्यूअल टोन दिख रही है स्किन की, क्योंकि ये वाले पोर्शन पर मैंने लगाया नहीं था। बट इट रियली वर्क्स यार, बहुत ही अच्छे तरीके से इसने क्लीन किया है। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतने कम प्राइस में, मतलब इतना बढ़िया काम हो रहा है और पेनलेस काम हो रहा है। दिस प्रोडक्ट इज़ अ बिग थम्स अप, आपको भी यूज़ करना चाहिए अगर आपको ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है। बहुत लोगों को यहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देगा। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा, मेरे लिए तो रहा क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया और इतने बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले, तो आपको भी ट्राई करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।